जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए सुनते हैं पितृ विसर्जन 2024 कब है। दीपक का यह उपाय करेगा पितरों को खुश, बनने लग जाएंगे बिगड़े हुए काम। पितृपद चल रहा है, ऐसे में पितरों को खुश करने के लिए लोग कई उपाय अपना सकते हैं। इससे न केवल आपकी पूजा सफल होगी बल्कि पितरों की कृपा से आपके बिगड़े काम भी आराम से सफल हो जाएंगे। शास्त्रों के अनुसार पितृ विसर्जन अमावस्या पर यदि एक खास उपाय किया जाए तो पितृ प्रसन्न होकर धरती लोक से अपने लोग चले जाते हैं और परिजनों पर सदैव कृपा बनाए रखते हैं। हिंदी पंचांग के अनुसार इस साल पितृ विसर्जन 2 अक्टूबर को होगा। इस दिन लोग अपने दिवंगत पितरों का श्राद्ध कर तर्पण, पिंडदान आदि पूरी विधि विधान से करेंगे। पितृ विसर्जन अमावस्या पर ज्ञात अज्ञात जिन पितरों का श्राद्ध छूट गया हो, ऐसे सभी पितरों का श्राद्ध कर्म तर्पण पिंडदान करके उन्हें धरती लोक से विदा किया जाता है। श्राद्ध पर करें 16 दीपक का उपाय। शास्त्रों के अनुसार पितृ विसर्जन अमावस्या पर शाम के समय 16 दीपक सरसों के तेल से जलाने पर पितृ प्रसन्न होकर अपने धाम को चले जाते हैं और परिजनों को आशीर्वाद देते हैं। 16 दीपक पितृ विसर्जन के दिन अमावस्या पर शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे या फिर गंगा किनारे जलाने से पितृ प्रसन्न होते हैं। इन लोगों को करना चाहिए यह उपाय। यदि आप अपने किसी पितृ का श्राद्ध करना भूल गए हैं या अनजाने में आपको अपने किसी ऐसे पितृ का श्राद्ध करना याद नहीं रहा, उनके उद्धार के लिए पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन शाम के समय गंगा किनारे या पीपल के पेड़ के नीचे 16 दीपक जलाकर अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करें। ऐसा करने से पितरों को शांति मिलती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है।